गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स. टुडे वी विल मेक अंडरस्टैंड आवर सेल्फ चैप्टर टू अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड इट्स यूजेस. वी विल डिस्क्राइब द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. द हेडिंग इन कोल्ड प्लेस एंड माउंटेन्स. इन वेरी हॉट प्लेस और माउंटेन्स समर आर शॉर्ट एंड विंटर आर लॉन्ग विद ऑफ स्नोफॉल्स. इन वेरी कोल्ड प्लेस और माउंटेन, बहुत ठंडे जगह पर या माउंटेन पर समर बहुत छोटी होती है और विंटर बहुत लंबी होती है और वहाँ पर स्नोफॉल्स भी होती है. ट्रीज हियर आर जनरली टॉल एंड स्ट्रेट एंड हैव अ कॉनिकल शेप. ट्रीज़ जो होते हैं यहाँ पर जनरली बहुत लंबे होते हैं और सीधे खड़े होते हैं. उनका जो शेप होता है वो कॉनिकल होता है, एक शंकु की तरह होता है. दिस कॉनिकल शेप हेल्प टू स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजीली फ्रॉम देयर ब्रांचेज. ये जो कॉनिकल शेप होती है हेल्प मदद करती है स्नो को स्लाइड करने में, आसानी से गिराने में ब्रांचेस से. दे हैव नेडल लाइक लीव्स विद वेरी फ्यू स्टोमेटा टू कंजर्व वाटर. इनके पास निडल सुई जैसी लीव्स होती हैं जिस पर बहुत कम स्टोमेटा होते हैं और वो पानी कंजर्व करने में हेल्प करते हैं. इंस्टेड ऑफ फ्लावर, फ्लावर की जगह पर दे बेयर कॉन्स विच हैव सीड्स. फ्लावर की जगह पर उनके पास बेयर कॉन्स होते हैं जिसमें सीड्स होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप्स ऑफ ट्रीज आर पाइन्स, फर, स्प्रूस, देवदार एक्सेट्रा. एग्जाम्पल के तौर पर जो प्रकार हैं ट्रीज़ के वो हैं पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कॉनिफर. इन्हें हम शंकुनुमा पौधे कहते हैं, पेड़ कहते हैं. बिसाइड्स ट्रीज़ के अलावा स्मॉल नन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फर्न्स, मोसेस एंड लाइकेंस आर ऑल्सो फाउंड हियर. कुछ छोटे जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिसमें फूल नहीं खिलते हैं, जैसे कि फर्न, मोसेस, लाइकेंस आर ऑल्सो फाउंड हेयर, यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर भी पाए जाते हैं. देखिए यहाँ पिक्चर दी हुई है. इस पिक्चर में के बारे में जो भी इसमें प्लांट्स के नेम हैं ये आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है, हेडिंग डालकर इन कोल्ड प्लेस एंड माउंटेन्स. इन डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान. इन डेजर्ट इट इज़ वेरी हॉट एंड देयर इज़ वेरी लिटिल रेन. डेजर्ट बहुत गर्म होता है और यहाँ बहुत कम मात्रा में बारिश होती है. इवन देन सम प्लांट्स ग्रो हेयर. सम प्लांट्स ग्रो हेयर, कुछ प्लांट्स यहाँ ग्रो करते हैं. मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स ग्रो रूट्स दैट स्प्रेड आउट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड सो दैट द रूट्स कैन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड. ज़्यादातर रेगिस्तानी प्लांट्स जो होते हैं ग्रो करते हैं रूट्स को, जो कि स्प्रेड आउट करते हैं, बहुत ज़्यादा फैलते हैं जस्ट बिलो, नीचे की तरफ, द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से सरफेस से ग्राउंड की तरफ, नीचे की तरफ, सो दैट द रूट्स कैन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ वाटर, जिससे कि जो रूट्स हों वो एब्जॉर्ब कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा पानी. दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, जो गिरता है पानी ग्राउंड पर बारिश की वजह से. सम ग्रो रूट्स दैट गो डीप डाउन इन टू द सॉयल इन सर्च ऑफ वाटर. कुछ रूट्स ग्रो करती हैं जो बहुत नीचे जाती हैं सॉयल में एंड सर्च ऑफ वाटर, पानी को सर्च करती हैं, मिट्टी में नीचे की तरफ ज़्यादा चली जाती हैं और वहाँ पर पानी को सर्च करती हैं. मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव वेरी फ्यू लीव्स. ज़्यादातर जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं बहुत कम लीव्स होती हैं उसमें, विद अ वैक्सी कोटिंग, और उनकी जो स्टेम होती है वो वैक्सी होती है, बहुत ही ज़्यादा मोम की तरह होती है, चिकनी सतह होती है. इन मैनी अदर प्लांट्स द लीव आर मॉडिफाई इंटू स्पाइन. और जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती है मॉडिफाई होती हैं, कन्वर्ट हो चुकी होती हैं स्पाइंस में, यानी कि कांटों में. द स्पाइंस प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. जो स्पाइन होती हैं वो वाटर को लॉस नहीं होने देती हैं, बचाती हैं उन्हें. एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एनिमल. और उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं एनिमल से, ताकि एनिमल कोई उसे खा ना ले. ओके, टुडेज क्लास इज ओवर हेयर. सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द कोस्टल एरियाज. ओके, थैंक यू.